हेलो फ्रेंड्स नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक एंड द टॉपिक इज द क्रोमेटोग्राफी इन द केमिकल एनालिसिस क्रोमेटोग्राफी इज़ अ लेबोरेटरी टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स तो मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है और उसको आपको सेपरेट करना है तो उसमें हम जो लेबोरेटरी टेक्निक यूज़ करेंगे उसका नाम है क्रोमेटोग्राफी द मिक्सचर इज़ डिज़ोल्व इन फ्लू इड सॉल्वेंट लाइक गैस और लिक्विड तो ये जो मिक्सचर होता है वो हमें एक गैस uh, में डिजोल्व uh, करना होता है और या फिर लिक्विड में डिज़ोल्व करना होता है तो ये बेसिकली सॉल्वेंट होते हैं गैस या लिक्विड जिसमें हम डिज़ोल्व करते हैं और इसको हम कहते हैं मोबाइल फेज विच कैरीज़ इट तो थ्रो अ सिस्टम अ कॉलम अ केपलरी ट्यूब एंड ए प्लेट और शीट ऑन विच ए मटेरियल कार्ड स्टेशनरी फेज तो आप ये मान लीजिए कि हमने एक, एक ट्यूब है और उसमें जो है एक या तो हम केपलेटर ट्यूब ले रहे हैं या प्लेट ले रहे हैं या शीट ले रहे हैं या फिर हम कॉलम ले रहे हैं तो एक कॉलम है और उसमें हमारी स्टेशनरी फेज है और उस स्टेशनरी फेज में हम जो हमारा केमिकल है उसको हम गैस या लिक्विड में डिज़ोल्व करके एज ए मोबाइल फेज़ बना रहे हैं उसको हम इस स्टेशनरी फेज़ के अंदर डाल देंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक पेपर को है जिसमें ये जो पेपर है ये एक सॉलिड फेज़ है इसको स्टेशनरी फ़ेज़ कहते हैं और इसमें हमने हमारा जो लिक्विफाई करके जो मटेरियल डाला है वो जो है हमारा मोबाइल फेज है जो कि मूव कर रहा है वो देखिए यहाँ पर हमने मेन मटेरियल uh, रखा था वो मूव करता करता अलग अलग बैंड्स से दे रहा है और सेपरेशन कर रहा है तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मोबाइल फेज़ क्या होती है और स्टेशनरी फेज क्या होती है तो ये दो फेज़ बनाई जाती है और स्टेशनरी फेज़ में मोबाइल फ़ेज को फ़िक्स किया जाता है बिकॉज़ द डिफरेंट

स्टेशनरी फेज से तो डिफरेंट एफिनिटी होने के कारण वो डिफरेंट लेंथ और लेंथ ऑफ टाइम मतलब अलग अलग समय पर डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेक्शन जो हैं सेपरेट होते हैं ठीक है द कंस्टिट्यूट ट्रेवल एट डिफरेंट अपेरेंट वेलोसिटीज इन द मोबाइल फ्लूड कॉजिंग देम टू तो सेपरेट तो वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग वेलोसिटी के हिसाब से सेपरेट होते चले जाते हैं

कि वो कितना एफिनिटी रखता है स्टेशनरी फेस से और उसके अकॉर्डिंग वो सेपरेट होता चला जाता है नाउ क्रोमेटोग्राफी में भी प्रिपरेटिव एंड या फिर इसको हम कहते हैं एनालिटिकल तो या तो क्रोमेटोग्राफी प्रिपरेटिव हो सकता है और या फिर एनालिटिकल हो सकता है तो आप देखिए प्रिप्रेटिव का क्या मतलब हुआ द पर्पज ऑफ प्रिपेटिव क्रोमेटोग्राफी इज टू सेपरेट द कंपोनेट ऑफ ए मिक्सचर फॉर लेटर यूज एंड दस टू फॉर्म ऑफ प्यूरिफिकेशन तो प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी वो होती है जिसमें हम हमारा कंपोनेंट अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं और उसको प्यूरीफाई करते हैं जबकि एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी क्या होती है दिस एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी इज डन नॉर्मली विथ ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ मटेरियल एंड इज़ टू एस्टेब्लिशिंग द प्रजेंस और मेजरिंग द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ एनालाइट्स इन अ मिक्सचर यानी कि आप जब किसी मिक्सचर में किसी मिक्सचर मिक्सचर मतलब जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंपोनेंट होंगे तो आप एक रिलेटिव प्रोपोर्शन देख रहे हो हर कंपोनेंट का उसको सिर्फ मेज़र कर रहे हो कि आखिर वो कितना होगा और वो प्रेजेंट भी है या नहीं है तो इसको हम कहते हैं एनालिटिकल एनालिटिकल क्रोमोटोग्राफी ठीक है analytical, analytical तो अगर आपको प्योरीफिकेशन तक करना है तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा और सिर्फ आपको मेज़र करना है कि क्या वो मटेरियल है या नहीं है तो वो सिर्फ जो है एनालीटिकल है फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊँ जैसे मिल्क में एडल्ट्रेशन होता है या मिल्क में कोई केमिकल मिक्स है या मान लीजिए किसी भी मटेरियल में कोई प्रिजर्वेटिव है आपको सिर्फ उसका प्रजेंस देखना है कि वो है या नहीं है या आप मान लीजिए कि वाटर में आपको लेड की या किसी भी चीज़ की टॉक्सिसिटी देखना है वो है या नहीं है तो आप सिर्फ मेज़र करेंगे या आप उसका प्रजेंस देखेंगे कि वो है या नहीं तो ये आपको क्रोमोटोग्राफी के थ्रू अगर करते हैं तो आप उसको कहेंगे एनालिटिकल क्रोमोटोग्राफी तो क्रोमोटोग्राफी वॉज फर्स्ट डिवाइज्ड इन Russia by Italian born scientist Mikhail Sweat, ठीक है इन 1900 मतलब 1900 सौ की जो शताब्दी है उसी में 1900 में ही एक रशियन इटालियन बोर्न साइंटिस्ट जो थे uh, इनका नाम था मिखिल टी स्वेट तो टी अगर हम साइलेंट कर दें तो केवल इसमें रहेगा स्वेट और इसमें भी वेट यानी कि वेटनरीन वाला वेट ऐसे करके याद रख सकते हैं तो निखिल टिस्टेट जो थे 1900 की सदी में इन्होंने 1900 में इन्होंने क्रोमेटोग्राफी डिवाइस को बनाया सबसे पहले तो इन्होंने टर्म भी दिया क्रोमेटोग्राफी है ना इन्होंने ही दिया टर्म और बाद में इन्होंने इन्हीं के इस डिवाइस से ट्वेंटिन सेंचुरी में बीसवीं शताब्दी में ये देखा गया कि जो प्लांट पिगमेंट से लाइक क्लोरोफिल है कैरोटीन है देन जेंथोफिल से इनको सेपरेट किया गया इस टेक्निक के थ्रू और सेपरेशन में हमें क्या मिला डिफरेंट टाइप के कलर ब्रांड्स मिले लाइक ग्रीन ऑरेंज येलो इस टाइप के कुछ कलर्स हमको देखने को मिले इसके बाद में इस टेक्निक में 1930 से 1940 में थोड़ा और एडवांसमेंट हुआ सेपरेशन प्रोसेस में और जो एंकर जॉन पॉल्टर मार्टिन है एंकर जॉन पॉल्टर मार्टिन और रिचार्ड लॉरियंस मिलिंगटन रिचार्ड लॉरियंस मिलिंगटन इन्होंने 1940 से 1950 के बीच में इस पर बहुत काम किया इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को डेवलप किया और 1952 में इन्हें केमिस्ट्री में नोबल प्राइज़ मिला दे इस्टेबलिश द प्रिंसिपल एंड बेसिक टेक्निक्स ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड देयर वर्क इनक्रेज द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ सेवरल क्रोमेटोग्राफिक मेथड इन्होंने क्या किया कि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में बहुत काम किया और इन्होंने अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स दी जैसे कि जैसे कि बहुत जल्दी रैपिड डिटेक्शन हम कर सकें लाइक इन्होंने पेपर क्रोमेटोग्राफी दिया गैस क्रोमेटोग्राफी दिया और गैस क्रोमेटोग्राफी जिसको अब हम हम कहते हैं हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी तो ये जो है ये भी इन्होंने दिया अब जो है रिसेंटली बहुत सारे एडवांसमेंट हो रहे हैं और डे बाय डे जो है जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है सेपरेशन करने की वो मॉलिक्यूल्स को वो डे बाय डे जो है इंक्रीज होती जा रही है क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट टर्म्स आते हैं लाइक like, सबसे पहले एनालाइट एनालाइट क्या होता है ऐसा सबस्टेंस जिसे क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट किया जाता है है ना वो मिक्सचर में होता है उसको एनालाइट कहते हैं एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी यानी कि जब हम क्रोमेटोग्राफी में सिर्फ ये देखते हों कि कि किसी पर्टिकुलर एनालाइट का कितना कंसनट्रेशन है इन ए सैम्पल तो उसको हम एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी कहते हैं देन इसके बाद क्रोमेटोग्राम क्रोमेटोग्राम क्या होता है द विजुअल आउटपुट ऑफ क्रोमेटोग्राफ इन द केस ऑफ ऑप्टीमल सेपरेशन डिफरेंट पिक्स और पेटर्नस ऑफ द क्रोमेटोग्राम करस्पॉन्ड टू डिफरेंट कम्पोनेंट्स ऑफ द सेपरेटेड मिक्सचर तो मान लीजिए एक मिक्सचर है इसमें यहाँ पर एक कम्पोनेंट दूसरा कंपोनेंट ऐसे दो कंपोनेंट निकले इसलिए इनका एक कंसनट्रेशन uh, वाइज अलग अलग ग्राफ बन गया ये बड़ा ग्राफ था इसका कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा ये छोटा ग्राफ है इसका कंसनट्रेशन कम होगा ऐसे करके ऑन द बेस ऑफ देयर कंसनट्रेशन ग्राफ बन जाते हैं इसको हम कहते हैं क्रोमेटोग्राम इसके बाद में नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट टू इनेबलबल अ सोफेस्टिकेटेड सेपरेशन दैट इज गैस क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड क्रोमोग्राफिक सेपरेशन तो जो सेपरेशन का काम करे और इस टाइप के ग्राफ बनाए उसको क्रोमेटोग्राफ कहते हैं क्रोमेटोग्राफी अ फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन दैट डिस्ट्रीब्यूट कंपोनेंट टू सेपरेट बिटवीन द टू फेजेस वन स्टेशनरी एंड अदर मोबाइल फेज मूविंग इन ए डिफाइंड डायरेक्शन तो क्रोमोटोग्राफी अगर आपसे टेक्निक पूछी जाए तो इसकी डेफिनेशन ये है कि एक फिज़िकल मेथड है जिसमें हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं और कैसे सेपरेट करते हैं इन बिटवीन टू फेजेस पहली स्टेशनरी फेज दूसरी मोबाइल फेज इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए डिफाइंड डायरेक्शन जब एक डिफाइंड डायरेक्शन में काम किया जाता है और सेपरेशन का तब तो हम इसको क्रोमेटोग्राफी कहते हैं नेक्स्ट टर्म आता है कि व्हाट इज़ एलिवेंट एल्यून को हम समटाइम ऐसे कहते हैं एल्यूंट तो दिस इज अ बेसिकली इसको हम प्रोनाउंस करेंगे एल्यूंट द सॉलवेंट और सॉलवेंट मिक्सचर यूज इन द ए एल्यूशन क्रोमोटोग्राफी एंड इसमस विथ मोबाइल फेस तो जो हम जिसमें घोलने के लिए यूज़ uh, करेंगे लाइक जैसे सॉल्वेंट क्या होता है वाटर हो सकता है गैस हो सकती है तो इसको हम एल्यूआंट कहते हैं एल्यूट एल्यूट क्या होता है द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट है ना एंड सॉल्वेंट एग्जिस्टिंग इन द कॉलम तो कॉलम में दो चीज़ें हो सकती है एक तो एल्युंट होता है जिसका भी हमने पढ़ा और एल्यूट जो होता है वो होता है हमारा जो सॉल्यूट है वो तो ये मिक्सचर है इन दोनों का सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का दोनों का मिक्सचर हम कहलाता है एल्यूट देन इफ्लूएंट इफ्लूंट क्या होता है

अ मोर प्रिसाइज टर्म फॉर सॉल्यूट, सॉल्यूट या एनालाइट को ही हम एलिइट कहते हैं जिस जो कि एक मिक्सचर है जिसमें हमें सेपरेशन करना है ठीक है देन इलियोट्रॉपिक सीरीज क्या होता है तो ये एक पावर है एक ऐसा पावर है जो जो कि सॉल्वेंट में मिलता है कि वो किस टाइप से किसी एलुआइट से बाइंड होता है और बाइंड होकर के उसको अलग करता है तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रैंक के एल्यूटिंग पाउडर्स आते हैं एल्यूटिंग पावर्स वाले सीरीज़ आती है जिसमें अलग अलग सॉल्वेंट होते हैं और उनमें ये पावर होता है कि वो किस टाइप से एल्यूट कर सकते हैं इसको ही हम कहते हैं एलियोट्रॉपिक सीरीज़ इसमें एक टर्म आता है इमोबलाइज फाज इमोबलाइज फेज़ तो इमोबलाइज फेज़ क्या होती है बेसिकली ये स्टेशनरी फेज़ ही होती है जो किसी कॉलम के अंदर होती है या किसी इनर वॉल पे होती है या फिर कॉलम ट्यूबिंग्स के अंदर होती है नाउ नेक्स्ट है मोबाइल फेज मोबाइल फेज क्या होती है जो कि मूव करती है स्टेशनरी फेज़ के अंदर ठीक है यह हो सकता है कि गैस क्रोमेटोग्राफी में गैस हो या फिर लिक्विड क्रोमोटोग्राफी में कैपिलरी क्रमोटोग्राफी की टेक्निक में लिक्विड हो या फिर सुपर क्रिटिकल फ्लूड में सुपर क्रिटिकल फ्लूड हो तो अल्टीमेटली ये हो सकता है किसी भी टाइप का पोला सब्सटेंस हो नॉन पोल सब्सटेंस हो ऑर्गेनिक सॉलवेंट हो नॉन ऑर्गेनिक सॉलवेंट हो ठीक है नेक्स्ट आता है प्रिपरेटिव क्रोमोटोग्राफी प्रिपरेटिव क्रमोटोग्राफी का मतलब ये होता है कि जब हमें कोई सॉल्यूट को प्योरीफाई करना हो तो और फर्दर उसका एनालिसिस करना हो तब हम प्रिपेरेटिव क्रोमोटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं नेक्स्ट है रिटेंशन टाइम तो कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट कितनी देर तक आ, उस स्टेशनरी फेज में रुका हुआ रहता है और कितने टाइम तक वहाँ रिटेन रहता है उस कंडीशन को हम कहते हैं रिटेंशन टाइम अप now we नाउ वी अंडरस्टूड द प्रिंसिपल ऑफ दैट क्रोमेटोग्राफी दैट हाउ अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल इज सेपरेटेड इन ए क्रोमेटोग्राफी तो इसमें दो टाइप के फेज होते हैं देर इज़ वन इज मोबाइल फेज एंड सेकेंड इज द स्टेशनरी फेज ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर फेज एंड दर्टिकुलर बाइंडिंग इफिनिटी इस बेसिस पर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक डेवलप हुई अब नाउ वी आर स्टडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज वन कॉलम क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज ए सेन टेक्निक इन विच द स्टेशनरी बेड इज विध इन अ ट्यूब दैट मीन्स एक ट्यूब है और उसमें एक स्टेशनरी बेड होता है द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड स्टेशनरी फेज और द सपोर्ट कोटेड विथ ए लिक्विड स्टेशनरी फेज में फिल्ड द होल इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब तो जो स्टेशनरी फेज है अगर मान लीजिए सॉलिड है या फिर मान लीजिए कि वो लिक्विड है तो वो एक सपोर्टिव कोट होता है इसके अंदर और उस कोट से पूरा फिल्ड होता है एक उस ट्यूब के अंदर और टू बी कंसनट्रेटेड ऑन और अलोंग द इनसाइड ट्यूब वॉल लिविंग एन ओपन अनरिस्ट्रिक्टेड पाथ फॉर द मोबाइल फेज तो ये जो ट्यूब है इसमें तीन टाइप से स्टेशनरी फेज होती है पहली फेज़ होती है कि या तो कोई पूरी सॉलिड फेज़ हो दूसरा स्टेशनरी फेज़ ऐसा हो सकता है कि लिक्विड कोटेड स्टेशनरी फेज हो सकता है वो uh, तीसरा हो सकता है यानी कि मतलब सॉलिड ही होगा लेकिन उस वो लिक्विड से कोटेड होगा तीसरा स्टेशनरी फेज हो सकता है कि केवल वॉल ऑफ द ट्यूब जो हो मतलब मिडिल एरिया ओपन हो अनरिस्ट्रिक्टेड हो लेकिन जो वॉल ऑफ ट्यूब हो वो स्टेशनरी फेज से फिल्ड होगा डिफरेंट इन द रेट्स ऑफ द मोमेंट थ्रू द मीडियम आर कैलकुलेटेड टू डिफरेंट रिटेंशन टाइम ऑफ द सैंपल तो जैसे ही हमने सैंपल इसमें डाला यानी कि कोई मोबाइल फेस डाला तो उसका हर एक का अपना डिफरेंट रिटेंशन टाइम होता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो है इस ट्यूब में हम डालते हैं तो जैसे ही इसको डाला तो कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में एक बैंड यहाँ पर बना फिर उसके बाद कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में ये एक बैंड यहाँ बना कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में दो बैंड यहाँ बने कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में दो बैंड से सेपरेट हुए और डिस्टेंस पे अलग अलग हो गए कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में एक बैंड ऊपर ही रह गया एक बैंड नीचे आ गया कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में जो वो बैंड है एक वो सेपरेट हो गया और कुछ टाइम ड्यूरेशन के बाद में जो दूसरा बैंड है वो इसमें सेपरेट हो गया तो ऐसे डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट रिटेंशन टाइम होता है किसी मोबाइल सरफेस का या मोबाइल फेस का और उसको हम सेपरेट करते हैं इन 1978 सेवेंटी एट डब्ल्यू क्लार्क स्टिल इंट्रोड्यूस्ड ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी कॉल्ड फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो 1978 में डब्ल्यू क्लार्क स्टील ने फ्लैश क्रोमेटोग्राफी का टेक्निक दिया था द टेक्निक इज वेरी सिमिलर टू ट्रेडिशनल कॉलम क्रोमेटोग्राफी एक्सेप्ट दैट द सॉल्वेंट इज़ ड्रिवन थ्रू द कॉलम बाय अप्लाइंग पॉजिटिव प्रेशर बस इसमें यह था कि इसमें जो कॉलम था उसमें ऊपर की तरफ से एक पॉजिटिव प्रेशर दिया जाता था तो इस टेक्निक को दिया था डब्ल्यू क्लार्क स्टील ने और इसका नाम रखा था फ्रेश फ्रेश कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो ये फ्रेश कॉलम फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है वो नॉर्मल अभी जो ट्रेडिशनल कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वैसे ही होती थी दिस अलाउड मोस्ट सेपरेशन टू बी परफॉर्म्ड इन लेस देन ट्वेंटी मिनट्स तो जैसे ही ऊपर हम प्रेशर देना शुरू करेंगे तो विद इन ट्वेंटी मिनट्स में सेपरेशन होना शुरू हो जाएगा विद इम्प्रूवड सेपरेशन कम्पेयर्ड टू द ओल्ड मेथड तो ये बहुत अच्छी मेथड रही क्योंकि इसमें बहुत फास्ट और इम्प्रूवड सेपरेशन देखने को मिलता है मॉडर्न फ्लैश क्रोमेटोग्राफी सिस्टम आर सोल्ड एज प्री पैक्ड प्लास्टिक काटरेज एंड एज सॉल्वेंट इज़ पम्प्ड थ्रू द काटरेज तो ये मॉडर्न फ्लैश क्रोमेटोग्राफी जो है ये अब जो आती है वो ऑलरेडी एक प्लास्टिक काटरेज के रूप में आती है और उसमें ऊपर एक पंप लगा होता है तो आप ये समझें कि जैसे हमारी निडल सिरिंज होती है तो जो सिरिंज होता है वैसी यह है और सिरिंज में जैसे हम ऊपर पंप लगाते हैं वैसे ही जो इंजेक्शन लगाने के टाइम पे जो सिरिंज रहती है वैसा इसका कुछ स्ट्रक्चर रहेगा सिस्टम में आल्सो भी लिंक्ड विद द डिटेक्टर एंड फ्रैक्शन कलेक्टर्स प्रोवाइडिंग ऑटोमेशन तो इसमें क्या होता है कि ये फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी सिस्टम से कनेक्टेड रहता है और डिटेक्टर इन सभी को डिटेक्ट करता है साथ में जो फ्रैक्शन कलेक्शन होता है जैसे यहाँ पर ये फ्रैक्शन का कलेक्शन हो रहा है ये फ्रैक्शन कलेक्शन ऑटोमेटिकली होता है द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेडियंट पम्प रिजल्ट इन क्विकल सेपरेशन एंड लेस सॉलवेंट यूज यूज तो जब ग्रेडियंट पम्प लगाया गया तो ग्रेडियंट पम्प से हुआ, हुआ ये कि जो सेपरेशन है वो फास्ट हो गया और सॉलवेंट का भी कम यूज़ हुआ ग्रेडियंट पम्प क्या होता है कि एक पंप लगा दिया जाता है जो कि प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर प्रोवाइड करता है नाउ एक्सपांडेड बेड एज ऑप्शन फ्लूडाइज्ड बेड इज यूज रेदर देन ए सॉलिड फेज मेड बाय ए पैक्ड बेड दिस अलाउज ऑमिशन ऑफ इनिशियल क्लियरिंग स्टेप्स सच इज सेंट्रीफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन फॉर कल्चर ब्रॉथ और स्लरीज ऑफ ब्रोकन सेल्स तो जो एक्सपांडेड बेड एज ऑप्शन है अगर इसको डाल दिया जाए तो ये एक फ्लूडाइज्ड बेड है एक फ्लूड जैसा बेड है जो कि सॉलिड फेज नहीं होता एक पैक्ड बेड होता ही है ये तो एक्सपांडेड बेड एब्जॉपशन जो है जब इसको कॉलम्स में यहाँ ऊपर डाल दिया जाता है और इसका यूज़ कहाँ होता है इसका यूज़ तब होता है जो बहुत सारे हमारे कल्चर ब्रॉथ्स रहते हैं जो कंटेमिनेटेड ब्रॉथ्स रहते हैं जिसमें हमको बैक्टीरियल सेल सेपरेट करना होती है या फिर uh, जो स्लरीज ऑफ ब्रोकन सेल है उसको सेपरेट करना होती है तो ऐसे में हमें इस ब्रॉथ का सेंट्रिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है या फ़िल्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है सीधे ही हम जो एक्सपांडेड बेड एब्जॉर्बशन बेड है इसमें इसको डाल देंगे ये एक ऐसा बेड है जो यहाँ पर बिछा होता है और इसमें हम जैसे ही हमारा मोबाइल यूनिट डालते हैं मोबाइल फेज डालते हैं वैसे ही वो बेड इन दोनों को सेपरेट कर देता है नेक्स्ट है फॉस्फो फॉसफोसेल्युलोज क्रोमेटोग्राफी यूटिलाइज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ मैनी डी बाइंडिंग प्रोटीन फॉर फॉस्फो सेल्युलोज तो अगर आपको फॉसफो एक क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होती है जिसमें डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं वो फास्फो के साथ में बाइंड होते हैं द स्ट्रॉगर ए प्रोटीन्स इंट्रेक्शन विद द डी एन ए द हायर द साल्ट कंसनट्रेशन टू इल्यूड द प्रोटीन जितना ज़्यादा डी एन ए के साथ इस प्रोटीन का इंटरेक्शन होगा उतना ज़्यादा प्रोटीन एल्यूट करने के लिए साल्ट की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल हिस्टोन प्रोटीन्स वगैरह है जो कि डीएनए के साथ में रहते हैं और ऐसे प्रोटीन का अगर एनालिसिस करना हो तो हमें फॉस्को सेलोलोस क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करना होता है जिसमें हम ऐसे जो प्रोटीन्स हैं उसका एनालिसिस करते हैं नाव ये था हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बाद दूसरा जो क्रोमोटोग्राफी है टाइप वो है प्लानर पी एल एन ई आर पी एल एन ए आर प्लानर क्रोमेटोग्राफी प्लानर क्रोमोटोग्राफी इज सेपरेशन टेक्निक इन विच द स्टेशनरी फेज इज़ प्रजेंट एज और ऑन ए प्लान द प्लान कैन बी अ पेपर सर्विंग एज ए इम्प्रेग्नेटेड बाय ए सबस्टेंस एज द स्टेशनरी बेड दट इज़ अ पेपर क्रोमोटोग्राफी तो ये जो प्लानर क्रोमोटोग्राफी होता है ये कॉलम क्रोमोटोग्राफी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है कॉलम क्रोमोटोग्राफी में एक्चुअल में हमने पढ़ा है कि इसमें ट्यूबिंग होते हैं ये ट्यूब्स होती हैं और इन ट्यूब्स में ये जो ट्यूब्स हैं इनमें स्टेशनरी फेज होता है लेकिन जो प्लानर क्रोमेटोग्राफी है ये इसमें स्टेशनरी इस फेज नहीं होता मतलब स्टेशनरी फेज जो होता है वो एज ए प्लान होता है प्लान पेपर जैसा होता है तो या तो अगर पेपर होगा तो पेपर क्रोमोटोग्राफी कहेंगे और ए लेयर ऑफ सॉलिड पार्टिकल स्प्रेड ऑन ए सपोर्ट सच इज़ ग्लास प्लेट तो अगर ग्लास प्लेट के ऊपर एक सॉलिड पार्टिकल्स की सरफेस होगी लेयर होगी तो उसको हम बोलेंगे थिन लेयर फोमोटोग्राफी डिफरेंट कंपाउंड्स इन सैंपल मिक्सचर ट्रेवल्स डिफरेंट डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू हाउ स्ट्रॉन्गली दे इंटरेक्ट विद द स्टेशनरी फेज एज कम्पेयर टू द मोबाइल फेज तो जैसे आपने सैंपल जो भी मिक्सचर सैंपल डाला वो एक्चुअल में ट्रेवल करता है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी कि आखिर वो कितना अच्छे से स्टेशनरी फेज से इंटरेक्ट कर पा रहा है उस बेसिस पर वो मूव करता है और आगे बढ़ता है द स्पेसिफिक रिटेंशन फैक्टर ऑफ़ ईच केमिकल कैन बी यूज टू एड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननॉन सबस्टेंस तो जो भी स्पेसिफ़िक रिटेंशन फैक्टर वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है और ये पता लगाया जाता है कि ये जो अनॉन सबिस्टेंस वगैरह जो भी हमने डाले हैं वो क्या है तो आप समझें कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो हमने पढ़ा था उसमें ट्यूब्स होती हैं लेकिन यहाँ जो प्लानर क्रोमेटोग्राफी है इसमें ट्यूब्स नहीं होती हैं इसमें प्लेन होता है तो जो स्टेशनरी फेज होती है बेसिकली एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें स्टेशनरी फेज इज़ प्रजेंट एज और ऑन ए प्लान तो प्लान जो है वो या तो प्लान कैन भी एज ए पेपर हो सकता है जिसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं या फिर कोई सॉलिड पार्टिकल की लेयर होती है जो कि ग्लास प्लेट के ऊपर होती है जिसको हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी व्हाट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग ए स्मॉल डॉट और लाइन ऑफ सैम्पल सॉल्यूशन ऑन टू द स्ट्रिप ऑफ क्रोमोटोग्राफी पेपर तो इस क्रोमोटोग्राफी के पेपर के ऊपर जो भी हमारा सैम्पल होता है उसका एक स्मॉल डॉट या लाइन बना के उसको डाल दिया जाता है द पेपर इज प्लेस्ड इन ए कंटेनर विथ ए शेलो लेयर ऑफ सॉल्वेंट एंड सील्ड तो एक कंटेनर लिया जाता है और उस कंटेनर में थोड़ा सा सॉल्वेंट रखा जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक जार है इसमें ये एक पेपर डला हुआ है और ये देखिए बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इसके अंदर सबसे नीचे की तरफ डला हुआ है और इसमें हमारा पेपर डाल देते हैं और यहाँ पर हमारा जो है सॉल्यूशन uh, जो भी मिक्सचर है हमारा जिसको हमको सेपरेट करना है वो भी डाल देते हैं उसको डालने पर क्या होता है कि सॉलवेंट इस पेपर पर धीरे धीरे चढ़ता है तो जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे हमारा जो मिक्सचर है वो भी सेपरेट बैंड्स बनाता है तो ये है पेपर क्रोमोटोग्राफी तो पेपर क्रोटोग्राफी में क्या करते हैं एज अ सॉल्वेंट रेज थ्रू द पेपर राइस थ्रू द पेपर जिसमें आपको बताया कि सॉल्वेंट जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है राइस होता है इट मीट्स टू द सैंपल मिक्सचर वो सैंपल के उस मिक्सचर के साथ में मिल जाता है विच स्टार्ट्स टू ट्रेवल अप द पेपर विथ द सॉल्वेंट और पेपर जो है उसमें जो सॉल्वेंट है वो इस मिक्सचर के साथ में मिलकर के ऊपर चढ़ता है द पेपर इज़ मेड अप ऑफ सेलुलज अ पोलर सब्सटेंस एंड अ कंपाउंड विद इन द मिक्सचर ट्रेवल फर्दर इफ दे आर लेस पोलर मोर पोलर सब्सटेंस बाउंड विद द सेलुलस पेपर मोर क्विकली एंड देयर फोर डो नॉट ट्रेवल एज फॉर तो अगर हमारा जो मिक्सचर है वो नॉन पोलर रहेगा तो ये सेल्युलस पेपर पर आराम से ऊपर चढ़ जाएगा लेकिन अगर मान लीजिए वो मिक्सचर अगर पोलर रहेगा तो वो यहीं पर एडर हो जाएगा बाइंड हो जाएगा सेलुलस पेपर पर और ऊपर नहीं चढ़ पाएगा तो नॉर्मली ये जो पेपर रहता है वो कैसा रहता है वो पेपर रहता है या तो सेलोलोस का बना हुआ या फिर किसी पोलर सबस्टेंस का बना हुआ रहता है ना प्लानर क्रोमेटोग्राफी की जो दूसरी टेक्निक पेपर तो हो गई अब जो दूसरी है वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज़ ए वाइडली एम्प्लॉयड लेबोरेटरी टेक्निक यूज टू सेपरेट डिफरेंट बायोकेमिकल्स ऑन बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव अट्रैक्शन टू द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज तो ये बायो की लैब्स में और नॉर्मली बाकी लैब्स में भी यूज होने वाला बहुत कॉमन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसमें स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज के आपस में रिलेटिव अट्रैक्शन के कारण इस आ, प्रिंसिपल पर ये आधारित है इट इज़ सिमिलर टू द पेपर क्रोमेटोग्राफी हाउ यू इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग स्टेशनरी फेज़ ऑफ़ पेपर इट इन्वॉल्व स्टेशनरी फेज ऑफ थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बमेंट लाइक सिलिका जेल एलुमिना जेल और सेलुलोज ऑन ए फ्लेट इनर्ट सबस्ट्रेट तो जैसे इनर्ट सबस्ट्रेट में हम ग्लास ले सकते हैं मान लीजिए कांच का एक ग्लास है और प्लेन ग्लास है उसके ऊपर या तो एल्यूमिना होगा या फिर सिलिका जेल होगी यानी कि रेत और या फिर सेलुलोज होगा इसको रखा जाता है और अब ये कांच की ग्लास पर होता है तो ये क्या बनाता है ये यहाँ हम पेपर यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर हम एक इनर्ट सबस्ट्रेट पर सिलिका जेल एल्युमिना या फिर सेलुलोस की एक लेयर बनाते हैं और यही एक स्टेशनरी फेज़ होती है टी यानी कि थिन लेयर क्रोमोटोग्राफी इज वेरी वर्स्टाइल मल्टीपल सैंपल्स कैन बी सेपरेटेड साइमल्टेनियसली ऑन द सेम लेयर मेकिंग इट वेरी यूजफुल फॉर द स्क्रीनिंग एप्लीकेशन सच एज टेस्टिंग ड्रग लेवल एंड वाटर प्योरिटी तो एक्चुअल में थिन लेयर क्रोमोटोग्राफी जो है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग जो सैंपल हैं हमारे उसको रन कर सकते हैं और रन करके हम उनका सेपरेशन कर सकते हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है और हम साइमल्टेनियसली सेम एक ही सॉलिड एक ही स्टेशनरी फेस पर बहुत सारे सैंपल्स मल्टीपल सैंपल्स को सेपरेट कर सकते हैं तो नॉर्मली इसका यूज़ किया जाता है ड्रग लेवल की टेस्टिंग में ड्रग की प्योरिटी चेक करने में ड्रग कितनी ओरिजिनल है उसको देखने में इसके अलावा वाटर कितना प्योर है उसको देखने में यूज़ करते हैं possibility of cross contamination is low since each separation is performed on new layer तो ऐसे cross contamination नहीं होता क्योंकि हर एक की अपनी अपनी separate layer होती है तो और आपस में भी mixtures जो होते हैं जो हमारे sample के mixture हैं वो आपस में mix नहीं होते compare to the paper it is the advantage of faster run better separation better quantitative analysis and the choice between the different absorbents तो आप ये देखें कि ये जो पेपर क्रोमोटोग्राफी है इससे बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा सेपरेशन होता है बेटर सेपरेशन फास्टर रन इसमें जल्दी से जल्दी हमारा जो 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 भी सॉल्यूशन है जो भी हमारा मोबाइल फेज़ है वो फास्ट रन होता है इसमें और पेपर क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंस ये हो गया है कि पेपर क्रोमोटोग्राफी में जो पोलास अबस्टेंस है वो सेलुलोज पर चिपक जाता है एडर हो जाता है इसीलिए यहाँ पर ये आ, सेपरेट कर पाना पोलास व थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन यहाँ थिन लेयर प्रोमोटोग्राफी में ये प्रॉब्लम नहीं है तो फास्टर रन करता है ये बेटर सेपरेशन होता है इसमें बेटर क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है आप बहुत अच्छे से क्वान्टिटी का एनालिसिस कर सकते हैं एंड द चॉइस बिटवीन द डिफरेंट एब्जॉर्बेंट्स आपको कौन सा एब्जॉर्बेंट लेना है इसमें बहुत सारी चॉइस ले सकते हैं आप सिलीका जेल ले सकते हैं एल्यूमिनिया ले सकते हैं सेलूलोज ले सकते हैं लेकिन यह चॉइस आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी में नहीं मिलेगी पेपर क्रोमेटोग्राफी में ज़्यादा करके जो पेपर होता है वो सिर्फ सेल्यूलोज का बना होता है फॉर इवन बेटर रिजोल्यूशन एंड फास्टर सेपरेशन दैट यूटिलाइज लेस सॉलमेंट इसमें आपको बहुत अच्छा रिजोल्यूशन देखने को मिलेगा मतलब दो अलग अलग जो लेयर बनती हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा डिमार्केशन देखने को मिलेगा एन ओल्डर पॉपुलर यूज हैड बिन टू डिफ्रेंशिएट क्रोमोसोम्स बाय ऑब्जर्विंग डिस्टेंस इन जेल तो पहले काफ़ी पहले के समय में क्रोमेटोग्राफी से ही जो क्रोमोसोम्स होते थे उनका सेपरेशन किया जाता था क्योंकि उसमें उस समय जो स्टेशनरी फेज है उसमें जेल लिया जाता था और इसमें क्रोमोसोम्स की डिफरेंट लेयर बनती थी तो ये है हमारा अभी सारा का सारा कॉलम करोमोटोग्राफी पहला पढ़ लिया दूसरा हमने प्लानर क्रोमोटोग्राफी पढ़ लिया प्लानर क्रमोटोग्राफी में हमने दो पढ़े एक पेपर क्रोमोटोग्राफी दूसरा थिन लेयर अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्रोमोटोग्राफी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्रोमोटोग्राफी इज अ मोलिक्यूल विथ हाई इफिनिटी फॉर द क्रोमोटोग्राफिक मेट्रिक्स यानी कि द डिस्प्लेसर कंपीट इफेक्टिवली फॉर बाइंडिंग साइट्स एंड दस डिस ऑल मॉलिक्यूल्स विथ लेसर एफिनिटी तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो सॉलिड्स जो स्टेशनरी फेज है हमारा वो एक्चुअल में एक डिस्प्लेसर है और उस पर जो भी हम सॉल्यूशन डालते हैं उसमें एक कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग होती है जिसकी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होगी वो एडर होगा और जिसकी लेसर एफिनिटी होगी वो एडर नहीं होगा तो एक कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग होती है इसमें और बाइंडिंग साइट्स होती हैं तो जो भी हम मॉलिक्यूल डालते हैं तो हायर एफिनिटी ऑफ मॉलिक्यूल जो होते हैं मैट्रिक्स के डिस्प्लेसर से बाइंड होते हैं और लोअर एफिनिटी ऑफ मोलिक्यूल जो होते हैं बाइंड नहीं हो पाते हैं। तो देर आर डिस्टिंक्ट डिफ्रेंसिस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एल्यूशन क्रोमेटोग्राफी तो अभी यहाँ थोड़ा सा ये समझना ज़रूरी है कि एक डिसप्लेसमेंट क्रोमेटोग्राफी अलग चीज़ है एल्यूशन क्रोमेटोग्राफी अलग चीज़ है अगर आप एल्यूशन मोड की बात करते हैं तो एल्यूशन मोड सबस्टेंस टिपिकली इमर्ज फ्रॉम ए कॉलम इन नेरो गाजियन पीकस वाइड सेपरेशन ऑफ पीक्स प्रेफरेबली टू बेस लाइन इज डिज़ायर फॉर तो इसमें जो सबस्टेंस जिसका हमको सेपरेशन करना है वो टिपिकली इमर्ज होता है कॉलम में और बिल्कुल नेरो और एंड पे होता है और ये देखा जाता है कि जब उसमें एक पीक आता है यानी कि जब उसकी एफिनिटी बाइंडिंग की बहुत ज़्यादा होगी तो गाउजियन पीक बहुत ज़्यादा बनेगा अगर बाइंडिंग एफिनिटी कम होगी तो गाउजियन पीक कम बनेगा तो वाइड सेपरेशन ऑफ बेस से जब बहुत मैक्सिमम गॉजियन पिक बनता है तो मैक्सिमम प्योरीफिकेशन भी देखने को मिलता है तो आप ये समझें कि अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से बाइंड हो पा रहा है तो वो अच्छे से प्योरीफाई होगा सीधी सी बात है द स्पीड एट विच एनी कंपाउंड एनी कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर ट्रेवल्स डाउन द कॉलम इन एल्यूशन मोड डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स भाई ये कॉलम है ग्रेविटी के हिसाब से ऊपर से नीचे जाएगा जो भी हमारा मिक्सचर है तो एल्यूशन जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ इफ़िनिटी होता है but for two substances to travel at a different speed thereby to resolve there must be substantial differences in some interaction between the biomolecule and the chromatography matrix तो थोड़ा सा difference रखना पड़ता है कि ये जो substances होते हैं ये अलग अलग जगह bind होते हैं क्योंकि कुछ heavy होते हैं तो वो बहुत जल्दी नीचे तक पहुँच जाते हैं कुछ light weight के होते हैं तो वो ऊपर ही रह जाते हैं तो ऐसे में जो interaction है वो डिफरेंट डिफरेंट है साथ में उनकी ग्रेविटेशनल डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होने से uh, जो होता है वो नीचे धीरे धीरे जाते हैं ऑपरेटिंग पैरामीटर्स आर एडजस्टेड टू मैक्सिमम मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ दिस डिफरेंस इन मेनी केसेस बेसलाइन सेपरेशन ऑफ द पीक्स कैन बी अचीवड ओनली विद ग्रेडियंट एल्यूशन एंड लो कॉलम लोडिंग अगर आपको बहुत अच्छा एल्यूशन करना है और ग्रेडियंट एल्यूशन करना है तो आप वो कॉलम में बहुत कम वॉल्यूम लोड करें ताकि जो बेस लाइन सेपरेशन है यानी कि दो पीक्स के बीच का जो सेपरेशन है वो अच्छे से देखा जा सके दस टू ड्रॉबैक्स ऑफ फल्यूशन मोड क्रोमटोग्राफी स्पेशली एट द प्रिपरेटिव स्केल आर ऑप्श आर ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू द ग्रेडियंट सॉल्वेंट पंपिंग एंड लो थ्रॉटपुट ड्यू टू लो कॉलम लोडिंग इसके इस कारण से दो ड्रॉबैक्स हो जाते हैं पहला ये कि हमें जो हमारा मिक्सचर है, अगर हमें अच्छे से सेपरेशन चाहिए तो बहुत कम कॉलम में डालना होता है यानी कि लो कॉलम लोडिंग मतलब हमारा मिक्सचर बहुत कम क्वांटिटी में डालना होता है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा समय लगता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो कब तक सेपरेशन होगा बड़ा मुश्किल होता है और हाई थ्रा हाई थ्रोआउटपुट नहीं मिलता मतलब यह है कि जब हम डालेंगे ही बहुत कम वॉल्यूम में तो मिलेगा भी बहुत कम वॉल्यूम में और दूसरा इसका जो ड्रॉबैक है वो है कि इसमें इस्पेली प्रिपेटिव स्केल है मतलब हमें प्योरीफिकेशन करना है तो प्योरीफिकेशन करना एक्चुअल में कॉम्प्लेक्सिटी होती है इतना ईजी टास्क नहीं है तो ये इसके कारण इसके दो ड्रॉबैक्स हैं डिस्प्लेसमेंट क्रोमोटोग्राफी हैज़ एन एडवान्टज ओवर रिल्यूशन क्रमोटोग्राफी इन दैट कम्पोनेंट आर रिजोल्ड इन टू कंजीक्यूटिव जोन ऑफ प्योर सबिसन पिक्स तो इस जो डिसप्लेसमेंट क्रोमोग्राफी है अगर आप इस मोड की बात कर रहे हैं अगर आप रिल्यूशन नहीं करना चाहते हैं यानी प्योरीफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्रोमोटोग्राफी थोड़ा ईजी रहता है क्योंकि इस कंडीशन में आपको जो प्योर जोन है वो तो बहुत अच्छे से दिख जाएंगे लेकिन यहाँ आपको प्योर करने का मोड नहीं मिलेगा डिस्प्लेसमेंट क्रोमटोग्राफी में बिकॉज द प्रोसेस टेक्स एडवांटेजेस ऑफ नॉन लिनियरिटी ऑफ आइसोथर्म्स अ लार्ज कॉलम फीड कैन बी सेपरेटेड ऑन ए गिवन कॉलम विथ ए प्योरीफाइड कंपोनेंट रिकवर्ड एड सिग्नीफिकेंटली हाई कंसेंट्रेशन तो जब आप डिफरेंट ग्रेडियंट्स पर जो भी आ, जो हमारा सॉल्यूट है उसको आप डिस्प्लेस करेंगे तो ऐसे में आपको हायर कंसंट्रेशन में वो क्वांटिटी मिलेगी तो ये है डिस्प्लेसमेंट क्रोमेटोग्राफी जिसमें दो मोड होते हैं एल्यूशन मोड होता है और डिस्प्लेसमेंट मोड होता है नाउ कम्स टू द टेक्निक्स बाय फिज़िकल स्टेट ऑफ मोबाइल फेस इसमें या तो ये कहें कि जो हमारी क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें हमने दो फेज पड़ी हैं पहली स्टेशनरी फेज़ दूसरी है मोबाइल uh, फेज तो मोबाइल फेज़ में जो भी हम सॉल्यूट डालते हैं उसकी फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम जो क्रोमोटोग्राफी है उसको अलग अलग टेक्निक्स में बांट सकते हैं पहला होता है गैस क्रोमोटोग्राफी गैस क्रोमोटोग्राफी आल्सो समटाइम्स नो नज गैस लिक्विड क्रोमोटोग्राफी इज़ अ सेपरेशन ऑफ सेपरेशन टेक्निक इन विच द मोबाइल फेज इज़ अ गैस तो इस कंडीशन में क्या होता है हमारा जो मोबाइल uh, फेज होता है वो एक्चुअल में गैस होता है और इसको कभी कभी गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं गैस क्रोमोटोग्राफिक सेपरेशन इज ऑलवेज कैरियड आउट इन ए कॉलम विच इज टिपिकल पैक्ड एंड कैपलरी तो ये हमेशा कॉलम में किया जाता है गैस क्रोमेटोग्राफी और ये टिपिकली पैक्ड होता है दोनों तरफ से पैक्ड होता है या फिर इसको ये कहा जाए कि कैपिलरी जैसा होता है बिल्कुल माइन्यूट जो कैपिलरी होती है वैसा होता है पैक्ड कॉलम्स आर द रूटीन वर्क हाउसेज ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी बींग चीपर एंड ईजियर टू यूज एंड ऑफन गिवस एडिकुएट परफॉर्मेंस तो जो पैक्ड कॉलम्स होते हैं वो चीपर होते हैं उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है केपलरी कॉलम्स जनरली गिवस फॉर सुपेरियर रिजोल्यूशन एंड ऑल द मोर एक्सपेंसिव आर बिकम्स वाइडली यूज स्पेशली फॉर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर तो दो टाइप के कॉलम्स हो गए इसमें एक होता है पेक्ड कॉलम्स जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ तो से पेक्ड हैं दूसरा केपलरी कॉलम पेक्ड कॉलम चीपर होते हैं कैपिलरी कॉलम थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन कैपिलरी कॉलम्स का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें हम इसको वाइडली यूज़ करते हैं क्यों क्योंकि इसमें जो मोर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है उसका सेपरेशन भी इजीली हो जाता है फर्दर कैपिलरी कॉलम्स कैन बी स्प्लिट इनटू द थ्री क्लासेस पोरस लेयर ओपन टिबलर यानी कि प्लॉट वॉल कोटेड ओपन ट्यूबलर यानि कि वकॉट एंड सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबलर यानी स्कॉट तो ऐसे तीन टाइप के कॉलम होते हैं पहला होता है प्लॉट वकॉट एंड स्काट जो प्लॉट होता है यानी कि पोरस लेयर ओपन ट्यूबलर कॉलम आर यूनिक इन वे दैट द स्टेशनरी फेज इज ऑब्जॉर्व टू द कॉलम वॉल वकॉट कॉलम सेव स्टेशनरी फेज दैट इज केमिकली बॉन्डेड टू द वॉल तो जो कोट होता है उसमें वॉल कोटेड मतलब वॉल को कोट किया जाता है तो जो स्टेशनरी फेज है वो प्लॉट में बहुत अच्छे से बनी होती है क्यों क्योंकि ये पोरस होती है तो पोरस होती है तो जो हमारा स्टेशनरी मटेरियल है वो इजीली एडर हो जाता है कोट की बात करें तो हमें जो कैपिलरी होती है उसके वॉल पर हमारे स्टेशनरी फेज की एक लेयर बनाना पड़ती है एक कोटिंग करना पड़ती है और वो जो कोटिंग होती है वो केमिकल से की जाती है नाउ थर्ड जो कॉलम है वो है स्कॉट यानी कि सपोर्ट कोटेड ओपन टूबुलर तो स्कॉट कॉलम आर इन ए वे दैट कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स मेंशन इन द वे दैट दे हैव सपोर्ट पार्टिकल्स टू द कॉलम केमिकली कॉलम वॉल बट दो पार्टिकल्स हैव लिक्विड फेस केमिकली बॉन्डेड तो इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है अगर आपका सपोर्ट पार्टिकल uh, है यानी कि वो पार्टिकल फेज में है तो वो आराम से एडर हो जाएगा और अगर मान लीजिए कि वो लिक्विड फेज वाला है तो ऐसे में आपको केमिकली उसको बॉन्ड करना पड़ेगा इस इस्कॉट के ऊपर बोथ टाइप ऑफ कॉलम्स आर मेड फ्रॉम नॉन एब्जॉर्बेंट एंड केमिकली इनर मटेरियल स्टेनलेस स्टील ग्लास आर यूजली मटेरियल फॉर पैक्ड कॉलम्स एंड क्वार्ज एंड फ्यूज सिलिका फॉर केपलरी कॉलम्स तो ये देखिए इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेस के लिए दो कॉलम्स हो गए पहला हो गया पैक्ड कॉलम जो कि किसका बना होता है स्टेनलेस स्टील का या फिर ग्लास का बना होता है जबकि कैपिलरी कॉलम जो होता है वो क्वार्ड या फ्यूज्ड सिलिका का बना होता है तो ये दो टाइप के अलग अलग कॉलम्स हो गए इन गैस क्रोमोटोग्राफी अगर मोबाइल फेज जो है वो गैस है तो तो इस टाइप से आ, जो ये गैस क्रोमोटोग्राफी है इट इज़ वाइडली यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री थ्रू द हाई टेम्परेचर यूज इन गैस क्रोमोटोग्राफी मेक इट अनसुचेबल फॉर हाई मोलिकुलर वेट बायो पॉलीमर और प्रोटीन्स ही डेनेचर्ड दैम तो इनका जोलिकटिकल केमिस्ट्री है ऐसे में यूज़ किया जाता है लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि गैस क्रोमोटोग्राफी का यूज़ जो हाई टेम्परेचर होता है उसमें नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पर जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं अनसुचेबल हो जाते हैं तो इनका यूज़ जो है जो हाई मोलिकुलर वेट बायो पॉलीमर्स हैं बायो प्रोटीनस हैं उसमें नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये जो मटेरियल है हाई टेम्परेचर पे डी हो जाता है इट इज़ वेल सुटेड फॉर द यूज़ ऑफ पेट्रोकेमिकल इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड रेमेडिएशन एंड इंडस्ट्रियल केमिकल फील्ड इट इज़ ऑल्सो यूजड एक्सटेंसिवली इन द केमिस्ट्री रिसर्च तो जो लाइट मॉलिकुलर वेट वाले जो जैसे पेट्रोकेमिकल्स वगैरह हैं इन्वायरमेंटल मोनिटरिंग या फिर रेमेडियशन वाले जो या पॉल्यूशन फ्री करने के लिए जो आ, होते हैं मटेरियल तो ऐसे मटेरियल के सेपरेशन में यूज किया जाना ठीक रहेगा गैस क्रमोटोग्राफी का ना नेक्स्ट है लिक्विड लिक्विड इज सेपरेशन टेक्निक इन द मोबाइल फेज इज लिक्विड तो पहले ऊपर जो मोबाइल फेज था वो गैस था इसलिए गैस क्रोमोोग्राफी हुआ अब यहाँ जो मोबाइल फेज है वो एक लिक्विड है इसलिए इसको हम लिक्विड क्रोमटोग्राफी कहते हैं इट कैन बी कैरीड आउट आइदर इन कॉलम और इन ए प्लान या तो हम इसको हम कॉलम में करेंगे और या फिर इसको हम किसी पेपर में या थिन लेयर क्रमोटोग्राफी जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें करेंगे प्रेजेंट डे लिक्विड क्रोटोग्राफी दैट जनरली यूटिलाइज वेरी स्मॉल पैकिंग पार्टिकल्स एंड रिलेटिवली हाई प्रेशर इज़ रिफ़र टू एज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रमोटोग्राफी तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है क्योंकि ये जो प्रजेंट टाइम है इसमें वेरी स्मॉल पैकिंग पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है और रिलेटिवली इसमें हाईली हाई प्रेशर का यूज़ किया जाता है इसीलिए इसको हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इन एच पी एल सी दैंपल इज़ फोज बाई ए लिक्विड एट हाई प्रेशर तो जो सैंपल होता है उसको एक हाई प्रेशर के थ्रू जैसे डाला जाता है तो देखिए ये सॉलवेंट बॉटल ए है सॉलवेंट बॉटल बी है और ये हाई प्रेशर पंप है यहाँ पर ये जो है वेस्ट मटेरियल जो भी आता है वो यहाँ पर आता है तो जो सैंपल होता है इज़ फोर्स्ड बाय लिक्विड हाई प्रेशर द मोबाइल फेज तो जो मोबाइल फेज है इसमें ये यह यहाँ पर उसको बहुत हाई प्रेशर के साथ में प्रेस किया जाता है थ्रू ए कॉलम दैट इज पैक्ड विथ ए स्टेशनरी फेज कंपोज ऑफ इरेगुलरली और स्पेरिकली शेप्ड पार्टिकल्स अ पोरस मोनोलिथिक लेयर और एक पोरस मेम्ब्रेन तो आप ये समझें कि जो स्टेशनरी फेज है वो एक पोरस मेम्ब्रेन होती है या फिर उसमें बहुत सारे स्पेरिकल इरेगुलर शेप्ड पार्टिकल्स होते हैं uh, जो कि पोरस होते हैं पोरस मोनोलिथिक लेयर होती है लिथिक मतलब उसके अंदर बहुत सारे पत्थर होते हैं है ना uh, तो इस टाइप से मोनोलिथिक लेयर होती है तो उस स्टेशनरी फेज़ में हमारा जो मोबाइल फेज़ होता है उसको हाई प्रेशर के साथ में पंप किया जाता है मोनोलिथ्स आर स्पंज लाइक क्रोमोटोग्राफिक मीडिया तो मोनोलिथ्स क्या होते हैं स्पंज लाइक क्रोमोटोग्राफिक मीडिया होता है तो बेसिकली लिथ मतलब होता है पत्थर एंड आर मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ एन अन एंडिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्ट्स और उसमें ब्लॉक्स होते हैं अलग अलग कुछ ऑर्गेनिक ब्लॉक्स होते हैं फिर कुछ इनऑर्गेनिक ब्लॉक्स होते हैं एच पी एल सी इज़ द हिस्टोरिकली डिवाइडेड इन द टू डिफरेंट सब क्लासेस बेस्ड ऑन द पॉलरिटी ऑफ द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेस तो जो पॉलरिटी होती है उस बेसिस पर एच पी एल सी जो होता है उसको बहुत सारे सब क्लासेस में बांटा गया है मेथड्स इन विच द स्टेशनरी फेज इज़ मोर पोलर एंड द मोबाइल फेज देन द मोबाइल फेज जैसे कि टॉलोइन एज ए मोबाइल फेज सिलिका एज ए स्टेशनरी फेज तो uh, ये रखा जाता है कि जो स्टेशनरी फेज़ होती है उसको पोलार बनाया जाता है तो जो सिलिका वगैरह है उसको स्टेशनरी फेज में यूज़ किया जाता है मोबाइल फेज में जो भी हम सॉल्यूट है हमारा उसको हम टोलोन में डिज़ोल्व कर लेते हैं तो इस टाइप से जो मोबाइल फ़ेज़ रहती है वो कम पोलार रहती है आर टर्म्ड नॉर्मल फेज लिक्विड क्रोमोटोग्राफी यानी कि एन मतलब जब भी पोलार फेज स्टेशनरी फ़ेज़ में पोलार फेज ज़्यादा हो और मोबाइल फ़ेज़ में कम हो तो उसको हम कहेंगे एन नॉर्मल फेज लिक्विड क्रमोग्राफी एंड अपोजिट जो रहती है जिसमें हम वाटर मिथेनॉल मिक्सचर एज ए मोबाइल फेज़ यूज़ करते हैं और सी एटीन यानी कि ऑक्टा डेसाइल सेलाइल एज स्टेशनरी फेज जब यूज़ करते हैं यानी कि जब पॉलरिटी मोबाइल फेज़ में ज़्यादा हो और स्टेशनरी फेज में कम हो तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं रिवर्स फेज लिक्विड कॉलमेटोग्राफी यानी कि आर तो आर की कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं मोबाइल फेज तो यूज़ करते, करते हैं हम वाटर वाटर मिथेनॉल मिक्सचर का और जो स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं वो हम करते हैं सी एटीन यानी कि ऑक्टा डेसालाइल साइलाइल ऑक्टा डेसाइल साइलाइल का ठीक -sil है और इस कंडीशन को हम कहते हैं रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमोटोग्राफी यानी कि आप ये देखें कि जो हमारा एच है वो दो भागों में डिवाइड हो गया पोलर और नॉन पोलर बेस पर जिसकी पॉलरिटी ज़्यादा होती है अगर स्टेशनरी फेज की पॉलरिटी ज़्यादा होती है तो इसको हम एच को एन कहते हैं और अगर मान लीजिए मोबाइल फेज़ की पॉलरिटी ज़्यादा होती है तो उसको हम आर यानी रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमोटोग्राफी कहते हैं साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि रिवर्स फेज लिक्विड क्रोटोग्राफी में हम मोबाइल फेज़ में क्या यूज़ करते हैं तो वाटर मेथनॉल यूज़ करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टेशनरी uh, फेज़ में क्या यूज़ करते हैं तो हम ऑक्टा डेलाइल सेलाइल यूज़ करते हैं ओके okay? नाव अब हम बात करते हैं एफिनिटी क्रोमोटोग्राफी के बारे में तो एफिनिटी क्रोमोटोग्राफी क्या है एफिनिटी क्रोमोग्राफी इज बेस्ड ऑन सिलेक्टिव नॉन कोविलेंट इंट्रेक्शन बिटवीन एन एनालाइट एंड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल तो इसमें एनालाइट और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो रहते हैं उसमें नॉन इंट्रैक्शन होता है इट इज़ वेरी स्पेसिफिक बट नॉट वेरी रोबस्ट इट इज़ ऑफन यूज इन बायो इन प्यिफिकेशन ऑफ प्रोटीन बाउंड टू टैक्स दिस फ्यूजन प्रोटीन आर लेबल्ड विथ कंपाउंड सच इज हिस्टैग तो आप ये देखिए कि एनालाइट हमारा क्या हो गया प्रोटीन हो गया और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल क्या हो गया हिस्टेक हो गया यानी हिस्टिडिन टेक्ड हो गया या फिर इसके अलावा बायोटिन टेक्ड हो गया या फिर इसके अलावा एंटीजन टेक्ड हो गया प्रोटीन तो दो चीज़ें उनमें आपस में नॉन कोवेलेंट इंट्रेक्शन रहता है पहला रहता है एनालाइट में स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के साथ यहाँ जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल है वो हिस्टिन हो सकता है बायोटिन हो सकता है एंटीजन हो सकता है और यहाँ पर एनालाइट जो है जिसका हमें एनालिसिस करना है वो कोई एक प्रोटीन है जिसका हमें फाइनली प्योरीफिकेशन करना है After purification, these tags are usually removed and the pure protein is obtained. तो ये जो tags होते हैं जिससे histidine tag है, biotin tag है, antigen tag है, इसको remove कर लिया जाता है। तो कुछ certain pH changes किए जाते हैं, कुछ buffer ऐसे होते हैं जिसको use करते हैं जिससे उन different pHs पर ये जो binding है, analyte और specific molecule की वो remove हो जाती है। Affinity chromatography often utilise a biomolecule affinity for a metal zinc copper iron columns are often manually prepared traditionally affinity columns are used as a preparative step to flush out unwanted biomolecules तो so, इसमें जो biomolecules के साथ bind होने के लिए जो metal used की जाते हैं वो zinc copper और iron होते हैं और ऐसे columns को manually prepare किया जाता है और इसमें normally जो affinity chromatography है उसका हम प्रिपरेटिव स्टेप्स के लिए यूज़ करते हैं यानी कि हम हमेशा प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं प्रिपरेटिव स्टेप पहले भी मैंने बताया था कि वॉट इज़ द प्रिपरेटिव स्टेप प्रिपरेटिव स्टेप्स में जब भी हम कोई बायोमोलिक्यूल्स हमारा डालते हैं जब कोई हमारा एनालाइट डालते हैं तो उसका हम सिर्फ प्योरीफिकेशन करते हैं नेक्स्ट है सुपर क्रिटिकल फ्लूड क्रोनोग्राफी इसमें सुपर क्रिटिकल फ्लूड क्रोनोग्राफी इज ए सेपरेशन टेक्निक इन विच द मोबाइल फेस इज ए फ्लूड अबाव एंड रिलेटिवली क्लोज तो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर तो ये जो मोबाइल फेज़ होता है जो हमारा जिसमें हमारा एनालाइट है वो एक्चुअल में एक क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है और इसके बाद में इसे मोबाइल फेज़ में कन्वर्ट किया जाता है तो जो भी मोबाइल फेज़ होगी उसका अपना खुद का कोई क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर होगा जिस पर उसको रखने की कोशिश की जाती है नाउ नेक्स्ट हेडिंग है टेक्निक्स बाय सेपरेशन मेकनिज़म तो सबसे पहले टेक्निक है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी आयन एक्सचेंज क्रोमोटोग्राफी यूजली रिफर टू एज द आयन क्रोमोग्राफी आयन एक्सचेंज क्रमोटोग्राफी को हम आयन क्रमोटोग्राफी भी कहते हैं यूजेज एंड आयन एक्सचेंज मैकेम टू सेपरेट एनालाइट बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव चार्जेस तो जो भी एनालाइट का चार्ज होता है उस बेसिस पर हम आयन के एक्सचेंज मेकेनिज्म से उसको सेपरेट करते हैं मान लीजिए अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसको हमको सेपरेट करना है और वो एनोलाइट जो है वो निगेटिव चार्ज का है तो हम कोशिश करेंगे कि हम नेगेटिव से नेगेटिव को रिप्लेस कर दें हम जो भी हमारे पास आयन होगा तो आयन एक्सचेंज करके हम उस एनालाइट को प्यूरीफाई कर लें इट इज़ यूजली परफॉर्म्ड इन द कॉलम बट कैन ऑल्सो भी यूजफुल इन प्लानर मोड तो कॉलम जिसे मैंने आपको दो मोड बताए थे अलग अलग एक तो कॉलम का मोड होता है जिसमें ट्यूब्स वगैरह होती हैं दूसरा प्लानर मोड होता है जिसमें हम पेपर का यूज़ करते हैं या फिर थिन लेयर प्रोमोटोग्राफी का यूज़ करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोटोग्राफी यूजेज़ ए चार्ज स्टेशनरी फेस टू सेपरेट चार्ज्ड कंपाउंड इंक्लूडिंग एनायंस कीटायंस एमिनो एसिड्स पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स तो हम जो आयन एक्सचेंज में यूज़ करते हैं वो हमारे पास जो होता है वो या तो हम एनाइन यूज़ करेंगे या किटायन यूज़ करेंगे एमिनोसिड्स वगैरह में भी क्योंकि एमिनो एसिड्स हमें पता है क्या होते हैं ये जीटर आयनस होते हैं मतलब एक सर्टन पी पर ये नेगेटिव रहते हैं और एक सर्टन पी आने पर पॉजिटिव हो जाते हैं इसके अलावा हम कुछ पेप्टाइड्स यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन्स यूज़ कर सकते हैं जिनमें कुछ नेगेटिव चार्जेस होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इनको हमारे एनालाइट के जो साथ में जुड़े हुए हैं उनके साथ एक्सचेंज कर लेते हैं और हमारे एनालाइट को फ्री कर देते हैं इन कन्वेंशनल मेथड द स्टेशनरी फेज इज एन आयन एक्सचेंज रेजिन दैट कैरीज चार्ज्ड फंक्शनल ग्रुप दैट इंटरेक्ट विद द अपोजिटली चार्ज ग्रुप ऑफ द कंपाउंड टू रिटेन तो इसमें हम एक आयन एक्सचेंज रेजिन का यूज़ करते हैं जो कि स्टेशनरी फेज होता है और वो क्या करता है वो जो भी एनालाइट होता है उसके साथ अपने चार्ज को एक्सचेंज करता है आर टू टाइप ऑफ आयन एक्सचेंज फोटोग्राफी हो सकता है हम स्टेशनरी फेज केटाइन की यूज़ करते हो तो हम केटायन एक्सचेंज और स्टेशनरी फेज अगर हम एन का यूज़ करते हो तो एन एक्सचेंज बोलेंगे तो केटाइन एक्सचेंज और एन एक्सचेंज दो टाइप के होते हैं है ना यहाँ के पॉजिटिव एनोड नेगेटिव होता है ये तो हमें पता है तो इन द कीटाइन एक्सचेंज क्रोमोटोग्राफी इज द स्टेशनरी फेज हैज़ नेगेटिव चार्ज है ना केथोड नेगेटिव होता है तो केथट का चार्ज नेगेटिव रहेगा एंड द एक्सचेंजेबल आयन इज कीटाइन तो नेगेटिव से नेगेटिव को वो एक्सचेंज कर लेगा वेयर इज इन द एनाइन एक्सचेंज क्रोमटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर स्टेशनरी फेज जो रहती है वो पॉजिटिव चार्ज रहेगी यानि कि ये एन रहेगा एंड एक्सचेंजेबल आयन इज द एन तो नेगेटिव से नेगेटिव को एक्सचेंज कर लेंगे नेक्स्ट आता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमटोग्राफी साइज एक्सक्लूजन क्रोमोटोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज जेल परमिशन क्रोमोटोग्राफी जी पी सी जिसको हम जेल परमिशन क्रोमोटोग्राफी भी कहते हैं या फिर जेल फिल्ट्रेशन क्रोमोटोग्राफी भी कहते हैं एंड सेपरेट मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू देयर साइज क्योंकि जेल में क्या होते हैं पोर्स होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ पोर्स जो साइज होता है हमारे एनालाइट का वो उसके अकॉर्डिंग सेपरेट होता है और मोर एक्यूरेटली अकॉर्डिंग टू देयर हाइड्रोडाइनमिक डायमीटर और हाइड्रोडाइनमिक वॉल्यूम तो जो भी हमारे एनालाइट का डायनेमिक डायमीटर होगा या वॉल्यूम होगा उसके बेसिस पर हम सेपरेट करते हैं स्मॉलर एबल टू इंटर पोर्स ऑफ द मीडिया देयर फॉर मोलिक्यूल्स आर ट्रेप्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लो ऑफ द मोबाइल फेज तो मोबाइल फेज में हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो हमारा एनालाइट रहता है उसका जो भी पोर साइज होगा जो भी उसका हाइड्रोडानेमिक डायमीटर होगा या हाइड्रो वॉल्यूम होगा उस बेसिस पर उसको सेपरेट करेंगे द एवरेज रेसिडेंट टाइम इन द पोर डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव साइज ऑफ एनालाइट मॉलिक्यूल हाउ यू आर दैट आर द लार्जर दैन द एवरेज पोर साइज ऑफ द पैकेजिंग आर ऑफ द पैकिंग आर एक्सक्लूडेड एंड सफर इसेंशली नो रिएक्शन नो रिटेंशन तो होता क्या है कि मोबाइल फेज में सपोज कीजिए अगर हमारा एनालाइट का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है तो वो वहीं पर ऊपर ही रह जाएगा और जिसका साइज बहुत कम है वो रिटर्न नहीं कर पाएगा और वो नीचे होता हुआ जेल में सबसे नीचे तक आ जाएगा सच स्पीशीज आर द फर्स्ट टू बी इल्यूटेड तो जो जिसका रिटेंशन है ही नहीं वो सबसे पहले नीचे आ जाएगा और उसको सबसे पहले इल्यूट कर लिया जाएगा मतलब सबसे पहले निकाल लिया जाएगा इट इज़ जनरली ए लो रिजोल्यूशन क्रोमटोग्राफी टेक्निक एंड दस इट इज ऑफन रिजल्ट टू फाइनल पॉलिशिंग स्टेप ऑफ ए प्योरीफिकेशन तो ये जो है जनरली लो रिजोल्यूशन क्रोटोग्राफी टेक्निक होती है और इसमें हम मतलब हमें प्योरीफिकेशन के लिए अलग से और एफिनिटी लगाना या आयन एक्सचेंज करना या हिस्टैगिंग करना ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती जेल में डालते हैं और सबसे नीचे जो आता है उसको हम सबसे पहले ले देते ले हैं इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर डिटर्माइनिंग द टर्श्रक्चर एंड कॉटनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्योरीफाइड प्रोटीन स्पेशली सिंस इट कैन बी कैरिड आउट अंडर अंडर नेटिव सोल्यूशन कंडीशन तो इसमें हम किसी भी टाइप के प्रोटीन का कहीं किसी से बाइंडिंग नहीं करा रहे हैं हिस टेगिंग नहीं करा रहे हैं या फिर निकल टेगिंग बायोटिन टेगिंग एंटीजन टेगिंग नहीं करा रहे हैं तो ऐसे में जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो उसके नेटिव फॉर्म में ही होता है तो हम उसका टर्शरी स्ट्रक्चर है या क्वार्टर स्ट्रक्चर है उसकी भी फर्दर स्टडी इस साइज एक्सक्लूजन प्रोटोग्राफिक कंडीशन में कर सकते हैं नेक्स्ट है एक्सपांडेड बेड एब्जॉपशन सेपरेशन तो इसमें क्या होता है एक बेड होता है एक्सपांडेड बेड एब्जॉर्प्शन क्रोमोग्राफी इज़ कन्वीनियंट एंड इफेक्टिव टेक्निक फॉर कैप्चर ऑफ प्रोटीन डायरेक्टली फ्रॉम अनकलैरिफाइड क्रूड सैंपल्स तो जो भी सैंपल रहता है वो क्रूड सैंपल रहता है और उसमें से हम हमारा जो प्रोटीन है वो इजीली निकाल पाते हैं इन एक्सपांडेड बेड एब्जॉर्प्शन क्रोमोग्राफी द सेटल्ड बेड इज़ फर्स्ट एक्सपांडेड बाय अ फ्लो ऑफ एक्म एकब्रेशन बफर द क्रूड फीड अ मिक्सचर ऑफ ए सॉल्यूबल प्रोटीन कंटेमेंट सेल्स एंड सेल डेवरीज इन दास ऑफ वार्ड फ्राम द एक्सपांडेड बेड तो आप फ्रेंड्स ये देखते होंगे कि जब भी हम डी एन एक्सट्रक्शन वगैरह करते हैं तो उसमें आजकल एक सी यू वाले जो छोटे छोटे ट्यूब्स आती हैं अप एंड ट्यूब्स तो वो भी एक क्रोमोटोग्राफी टेक्निक के अंदर ही आती हैं क्योंकि उसमें भी एक बेड होता है जिसमें हमारा जो डी एन ए होता है वो वहाँ ट्रैप हो जाता है और रेस्ट ऑफ जो है मटेरियल वो सारा का सारा जो है आ, जैसे सेल डेबरेज से ही हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं तो सेल डेबरेज में का इनका रिमूवल हो जाता है उस सीव के थ्रू तो वो एक बेड टेक्निक ही है जिसमें वो बेड होता है उसमें आप देखेंगे ध्यान से तो कभी आपको देखने को मिलेगा कि जो इपेंड ऑफ ट्यूब्स होती हैं उसमें सेंटर में एक सी होती है और वो सी क्या करती है डीएनए को ट्रैप करके रखती है और रेस्ट ऑफ जितने भी सेल्स हैं डेबरीज हैं वो वो अलग अलग बफर्स के थ्रू जो हैं वो डिजोल्व होते चले जाते हैं और फ्लश आउट होते चले जाते हैं सेंट्रीफ्यूज सेंट्रिफिकेशन हम करते रहते हैं और वो धीरे धीरे फ्लश आउट होते चले जाते हैं तो ये जो टेक्निक है वो डिपेंड करती है उसका बेसिक प्रिंसिपल है एमडेड एक्सपांडेड बेड एडजॉर्प्शन के बेसिस पे और वो भी एक टाइप की क्रोमटोग्राफी है अल्टरनेटिवली इफ द फ्लो इज रिवर्स द एड्जॉर्प्शन द एड्जॉर्ब पार्टिकल्स विल क्विकली सेटल एंड द प्रोटीन कैन बी एब्जॉर्ब बाय द एल्यूशन बफर तो अब हम क्या करेंगे कि जब हम इस फ्लो को रिजर्व कर दें रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स कर देने पर और हम इसमें एल्यूशन बफर डालेंगे तो जो भी हमारा प्रोटीन रहेगा वो सेपरेट हो जाएगा द मोड यूज फॉर एल्यूशन एक्सपांडेड बेड वर्स सेटल बेड डिपेंड्स ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीड ऑफ्टर एल्यूशन द्शन इज क्लींड विथ प्री डिफाइंड क्लीनिंग इन पेस सॉल्यूशन विथ क्लीनिंग फॉलोड बाय द आइदर कॉलम रिजनेशन और फर्दर यूज और स्टोरेज तो हम क्या करते हैं हमारा एल्यूशन जब हो जाता है और हम प्रोटीन जब ले लेते हैं तो प्रोटीन लेने के बाद में हम वो जो कॉलम रहता है जिसमें हमारा बेड है तो उसको हम प्री डिफाइंड क्लीनिंग इन प्लेस सॉल्यूशन के साथ में क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करके स्टोर करके वापस से फर्दर यूज़ करने के लिए रख लेते हैं तो इस टाइप से हम तीन टेक्निक्स के थ्रू हमारा जो मोबाइल फेज है जो एनालाइट है उसको सेपरेट करते हैं आ, जिसमें पहला है आयन एक्सचेंज क्रोमोटोग्राफी दूसरा है साइज एक्सक्लूजन क्रोटोग्राफी और तीसरा है एक्सपांडेड बेड एब्जॉर्बशन क्रोमटोग्राफी सेपरेशन इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे रिवर्सड फेस क्रोमोटोग्राफी रिवर्स्ड फेस क्रोमोटोग्राफी इज एन लिक्विड क्रोमोग्राफी प्रोसीजर इन विच द मोबाइल फेज इज सिग्निफिकेंटली मोर पोलर देन द स्टेशनरी फेज तो हमने पहले ही पढ़ा था कि या तो स्टेशनरी फेज को हम पोलर रखते हैं या मोबाइल फेज को पोलर रखते हैं तो यहाँ पर जो रिवर्स फेज क्रोमोटोग्राफी होती है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी में इसमें आप ध्यान दीजिए कि जो मोबाइल फेज होता है वो ज़्यादा पोलार होता है इट इज़ ऑल्सो नेम्ड बिकॉज ऑफ द नॉर्मल फेज लिक्विड क्रोटोग्राफी द मोबाइल फेज इज सिग्निफिकेंटली लेस पोलार देन द स्टेशनरी फेज तो नॉर्मली होता यह है कि स्टेशनरी फ़ेज ज़्यादा पोलार होता है मोबाइल फ़ेज़ कम पोलार होता है जबकि रिवर्स फेज क्रोटोग्राफी में मोबाइल फ़ेज जो होता है वो ज़्यादा पोलार होता है और जो स्टेशनरी फेज है उसको कम पोलर रखा जाता है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल इन द मोबाइल फेज टेन टू एब्जॉर्व टू द रिलेटिवली हाइड्रोफोबिक स्टेशनरी फेज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इन द मोबाइल फेज विल टेन टू इल्यूट फर्स्ट तो जो जो हाइड्रोफोबिक रहते हैं वो स्टेशनरी फेज से चिपके हुए रहते हैं जबकि जो हाइड्रोफिलिक सॉल्यूशन रहता है जो हमारा हाइड्रोफिलिक एनालाइट है वो सबसे पहले इल्यूट होकर के बाहर आ जाता है तो जो पोलार फेज है मोबाइल की उसकी रखने से फ़ायदा ये है कि जितने भी हाइड्रोफिलिक मटेरियल हैं वो पहले पहले एलियट हो जाते हैं और जो हाइड्रोफोबिक मटेरियल है वो स्टेशनरी फेस से एडर होके या चिपक के रह जाते हैं सेपरेटिंग कॉलम टिपिकली कंप्राइजेस सी एट एंड सी एटीन कार्बन चेन बॉन्डेड टू ए सिलिका पार्टिकल्स सबस्ट्रेट तो जो कॉलम होता है उसमें हम C8 एट या सी एटीन कार्बन चेन बॉन्डेड टू सिलिका पार्टिकल सबस्ट्रेट रखते हैं स्टेशनरी फेज़ का ये जो कार्बन C8 या C18 एटीन विथ सिलीका जो है इसको हम कुछ इस तरीके से बोलते हैं कि इसका नाम जो है वो है एक्टा डेसाइल साइलाइल एक ऑक्टा डेसाइल साइलाइल ऑक्टा डेसाइल साइलाइल ये C18 एटीन मॉलिक्यूल है तो ये प्रॉपर्टी ये जो चीज़ है इसको हम स्टेशनरी फेज में रखते हैं और मोबाइल फेज को पोलार बनाने के लिए हम मोबाइल फेज को वाटर मिथेनॉल मिक्सचर के साथ में रखते हैं ताकि जो मोबाइल फेज़ है वो हमारा मोर पोलार बना रहे नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन क्रोटोग्राफी तो हाइड्रोफोबिक इंट्रेक्शन क्रमोटोग्राफी में जो स्टेशनरी uh, फेज़ होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की रखते हैं और जो हमारा एनालाइट रहता है वो एक्चुअल में पीएच सेंसिटिव रहता है इसीलिए ऐसे में हम पीएच की जगह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्रोमोटोग्राफी में अमोनियम साल्ट्स का यूज़ करते हैं तो जो भी हाइड्रोफोबिक नेचर का कंटामिनेशन होता है वो तो एडर हो जाता है और अमोनियम सल्फ़ेट के साथ में हमारा जो मॉलिक्यूल है वो इंटरेक्ट करता है या फिर ये कहें कि मान लीजिए अगर कोई प्रोटीन पार्टिकल है जिसमें हाइड्रोफोबिक क्वांटिटी भी है हाइड्रोफिलिक क्वांटिटी भी है तो हाइड्रोफोबिक के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्ट करता है और जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है वो अमोनियम सल्फेट से जो है डिज़ोल्व होकर के वो हाइड्रोफिलिक वाटर के साथ में डिजोल्व होकर के ल्यूट आउट हो जाता है तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है और इसी में जो बोवाइन सीरम एल्यूमिन है क्योंकि ये पी एस सेंसीटिव रहते हैं इसलिए बोवाइंसी रेमोग्लोमिन है या फिर एमिनोग्लोबिल आई जी जी वगैरह जो है तो इनका सेपरेशन इसी के थ्रू किया जाता है नेक्स्ट आता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोडाइनमिक क्रोमेटोग्राफी हाइड्रोडामिक क्रोमेटोग्राफी बाकी से अलग है क्योंकि हमने अभी तक पहले जितनी भी क्रोमेटोग्राफी यूज़ करी है उसमें यह था कि स्मॉल साइज वाले जो होते हैं एनालाइट वो पहले हम एल्यूट करते हैं लेकिन यहाँ पर उल्टा है यहाँ पर यह होते हैं कि स्मॉल साइज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एडर हो जाते हैं साइड में ट्यूब के साइड में और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे पहले एल्यूट आउट होते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलर मास साइज शेप एंड स्ट्रक्चर साथ में इसमें विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट लाइट लाइट स्केटरिंग डिटेक्टर्स लाइक विस्कोमीटर्स एंड रिफ्रैक्टोमीटर्स इनका भी यूज़ करके हम लार्ज मॉलिक्यूल का एल्यूशन करते हैं यहाँ पर ये जो हाइड्रोडाइनमिक क्रोमोटोग्राफी है ये भी दो टाइप की होती है जिसमें पहली होती है ओपन ट्यूब और दूसरी होती है पैक्ड कॉलम ओपन ट्यूब और पैक्ड कॉलम तो ओपन ट्यूब में क्या होता है ओपन ट्यूब ऑफर्स रैपिड सेपरेशन टाइम फॉर स्मॉल पार्टिकल्स ओपन ट्यूब में स्मॉल पार्टिकल पहले निकलते हैं वेर इज पैक्ड कॉलम हाइड्रोडाइनमिक क्रोमोग्राफी कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन एंड इट्स बेटर सीटेड फॉर पार्टिकल्स विद एन एवरेज मॉलिकुलर मास लार्जर दैन टू दावर फाइव डाल्टन तो ये जो पैक्ड कॉलम वाला है हाइड्रोडायनमिक uh, क्रमोटोग्राफी इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं टें टू दी पावर फाइव डाल्टन के या फिर इसके भी ऊपर के उसको सबसे पहले एल्यूट आउट किया जाता है देन हाइड्रोडानेमिक क्रोमोटोग्राफी डिफर्स फ्रॉम अदर टाइप ऑफ क्रोमोटोग्राफी बिकॉज द सेपरेशन ओनली टेक्स प्लेस इन द इंटरस्टिशियल वॉल्यूम तो इसमें आप ध्यान देंगे कि इंटरस्टिशियल वॉल्यूम होता है विच इज़ द वॉल्यूम सराउंडिंग एंड इज इन बिटवीन पार्टिकल इन द पैक्ड वॉल्यूम तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरस्टिशियल वॉल्यूम होता है विच इज़ द वॉल्यूम सराउंडिंग एंड इन बिटवीन पार्टिकल इन द दैक्ड कॉलम तो जो पैक्ड कॉलम्स होते हैं उसमें इंटरस्टिशल वॉल्यूम होता है जो कि सराउंडिंग में भी होता है ट्यूब के और साथ में इन बिटवीन ऑफ पार्टिकल्स के भी होता है तो ये जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो इंटरस्टिशल वॉलीम की है जो कि सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोडाइनमिक हाइड्रो डाइनमिक में देखने को मिलती है हालांकि देर इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ़ द हाइड्रोडाइनमिक क्रोमोटोग्राफी क्या डिसएडवांटेज है ये है कि द एच डी सी इज़ लो रिजोल्यूशन ऑफ एनालाइट पीक जो भी एनालाइट हमारा एल्यूट आउट होता है उसका रिजोल्यूशन बहुत कम होता है बस यही इसका एक डिसएडवांटेज है लेकिन जो एच डी सी है हाइड्रोडाइनमिक क्रोमोट्राफी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन द फील्ड ऑफ माइक्रोफ्लूडिक्स माइक्रोफिलोटिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ हमारे रिएजेंट्स यूज़ करते हैं और विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनालाइट्स का यूज़ करके जहाँ कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा जो सैंपल है वो इतना कम है इतना कम है कि हम किसी आ, बड़ी मशीन में इसको यूज़ ही नहीं कर सकते तो ऐसे में एक माइक्रोफ्लूडिक्स टेक्निक होती है जिसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनलाइट होने पर भी हम उसका डिटेक्शन कर सकते हैं तो इसे हम कहते हैं माइक्रोफ्लुइडिक्स और एच यानी कि जो हाइड्रोडाइनमिक क्रोमोटोग्राफी है इस टेक्निक का स्पेशली यूज इन द फील्ड ऑफ माइक्रोफ्लोडिक्स होता है तो ये जो एच है इसमें भी जो फर्स्ट एपरेटस एच ऑन ए चिप बनाया गया था तो ये एक बहुत छोटा सा चिप होता है और इट वॉज़ प्रपोज बाय चमेला इन टू थाउजेंड टू देर डिज़ाइन वॉज एबल टू अचीव सेपरेशन यूजिंग एटीन मिलीमीटर लॉन्ग चैनल्स ऑन टाइम स्केल ऑफ थ्री मिनट्स फॉर पार्टिकल विद डायमीटर रेंजिंग फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स टू वन हंड्रेड टेन ननोमीटर तो आप ये देखें कि केवल एटीन मिलीमीटर लॉन्ग चैनल जो थे उसमें लगभग तीन मिनट के अंदर ऐसे डायमीटर वाले पार्टिकल्स जिनका डायमीटर ट्वेंटी सिक्स से वन हंड्रेड टेन नैनोमीटर था उनका सेपरेशन किया जा सका बट द ऑथर एक्सप्रेस ए नीड टू इम्प्रूव द रिटेंशन एंड डिस्पर्जन पैरामीटर्स लेकिन अभी भी ऑथर्स को चाहिए था कि वो बहुत जो रिटेंशन होना चाहिए या फिर डिस्पर्जन होना चाहिए उन पैरामीटर्स पर भी काम करें तो ये जो एच डी सी की टेक्निक है नाव अब लेब ऑन चिप में आ गई है या एच डी सी ऑन ए चिप में आ गई है तो अब ये जैसे हमने अभी आपको बताया एटी मिलीमीटर mm का लॉन्ग चैनल था तो अब ये इसमें इम्प्रूवमेंट होते होते ये हो गया है अब थ्री मिलीमीटर mm लॉन्ग चैनल और इसमें थ्री मिलीटर लॉन्ग चैनल में जो रिजोल्यूशन होता है किसी भी एनालाइट का वो और भी ज़्यादा होता है ना अब हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल क्रोमोटोग्राफी तो टू डायमेंशनल क्रोमोटोग्राफी को हम समझते हैं कि अभी नॉर्मली हमने जो भी आ, सेपरेशन किया वो किया हमने एक सिंगल कॉलम में तो सिंगल कॉलम क्रोमोटोग्राफी को हम कहते हैं यूनी डायरेक्शनल क्रोमोटोग्राफी लेकिन टू डायमेंशनल क्रोमोटोग्राफी में हम क्या करते हैं कि एक आ, जैसे हमने सपोज कीजिए कि एक जेल चलाया और वो जेल इस टाइप से रन हुआ तो इस टाइप से रन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि बैंड्स बने मान लीजिए हमने आई जी जी का बैंड चलाया तो उसमें जो पहला बैंड बना वो आई जी जी ए का बना दूसरा आई जी जी बी का बना तीसरा आई सी का बना चौथा आई जी बी का बना तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है अब टू डायरेक्शनल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा हमको इसी को ऐसे भी चलाना पड़ेगा तो ऐसे में क्या है जो आई ए है उसका और भी सेपरेशन होगा जो आई बी है उसका भी और सेपरेशन होगा और जो आई सी है उसका भी सेपरेशन होगा ऐसे ही आप मान लीजिए कि हमने एक पेपर लिया और पेपर में यहाँ पर हमने एक डॉट रखा और उसको चला दिया तो जब डॉट चलेगा तो ऐसे अलग अलग बैंड्स देगा अब हमने इसी पेपर को ऐसे नहीं करके हमने इसको ऐसे कर दिया और ऐसे करके जब हमने इस डॉट के अलग अलग जो बैंड्स बने उसको चलाया तो वो इस डायरेक्शन में चलेगा तो इसको हम कहते हैं टू डायरेक्शनल क्रोमोटोग्राफी जो कि और भी ज़्यादा सेपरेशन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं स्पेशली इन केस ऑफ गैस क्रोमोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है और लिक्विड क्रोमोटोग्राफी सेपरेशन में इसका यूज़ होता है तो जो टी है यानी कि थिन लेयर क्रोमोग्राफी इसमें भी हम टू डायमेंशनल क्रोमोटोग्राफी का यूज़ करते हैं नेक्स्ट है एस्टिमोलेटेड मूविंग बेट क्रोमोग्राफी द एस्टीमिलटेड मूविंग बेट टेक्निक इज ए वेरिएंट ऑफ हाई परफॉर्मेंस लिक्विड तो जो हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमोग्राफी हमने पढ़ा था उसी का एक वेरिएंट है जिसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड मूविंग बेड क्रोमेटोग्राफी तो देखिए जो सिम्यूलेटेड मूविंग बेड क्रोमेटोग्राफी है इसमें जो बेड है यानी कि जो स्टेशनरी फेज़ है वो हमेशा मूविंग रहती है तो स्टेशनरी फेज़ को मूविंग रखना यहाँ पर एक लिया दिया हुआ है कि जो स्टेशनरी फेज होता है वो एक इन एक इनडिफाइनाइटली मेनर में होता है तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई स्टेशनरी फेज़ इनडिफाइनाइट मैनर में हो तो इसकी जगह ये किया जाता है कि स्टेशनरी फ़ेज़ के कुछ पीसेस होते हैं जिसको एक जगह रखने के बाद में जब उसमें से कॉलम रन हो जाता है तो उसको वापस से वॉश आउट करके फिर से नेक्स्ट आगे लगा दिया जाता है तो जो मूविंग फेज़ है हमारा जो एनालाइट है वो कंटिन्यू मूव करता रहता है और पीछे से उठ करके जो हमारा स्टेशनरी फेज़ है उसका वॉशिंग होकर के वापस से आगे लगा दिया जाता है तो ऐसे करके एक कंटिन्यूस मूविंग बेड बनाया जाता है और इस मूविंग बेड का एम सिर्फ यही रहता है की ज़्यादा से ज़्यादा रिजोल्यूशन देखने को मिले और हमारा जो सैंपल है वो एल्यूट आउट हो सके नेक्स्ट क्रोमोटोग्राफिक जो टेक्निक है वो है पायरोलाइसिस गैस क्रोमोटोग्राफी पायरोलाइसिस गैस क्रमोटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज अ मेथड ऑफ केमिकल एनालिसिस इन विच द सैंपल इज हीटेड टू डीकम्पोजिशन टू प्रोड्यूस स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट आर सेपरेटेड बाय गैस क्रमोटोग्राफी एंड डिटेक्ट यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमेट्री तो पायरोलाइसिस मतलब हमें हमारा जो सैंपल होता है उसका एनालिसिस करना होता है तो हम उसको सबसे पहले गर्म करके उसका डिकम्पोजिशन कर देते हैं ताकि बाद में हम उसको गैस क्रोमेटोग्राफी से और मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक से डिटेक्ट कर सकें तो यही मेथड है पायरोलाइसिस गैस क्रोमेटोग्राफी में तो पायरोलाइसिस टेक्निक में जो डिकम्पोजिशन किया जाता है वो एक थर्मल डिकम्पोजिशन होता है और ये थर्मल डिकम्पोजिशन इनर्ट एटमोसफियर में या फिर वैक्यूम में किया जाता है और इसके लिए क्या करते हैं एक प्लेटिनम का वायर लेते हैं और आ, या फिर इसकी जगह पॉड्स और सैम्पल ट्यूब लेते हैं और उसमें लगभग सिक्स हंड्रेड से वन थाउजेंड डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डालते हैं और हमारा जो भी एनालाइट है वो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर क्या होता है डी नेचर हो जाता है तो ऐसा करने पर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लीवड होकर के स्मॉल विकेस्ट पॉइंट पे स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो वोलेटाइल हो जाते हैं तो ऐसे में हम गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से इनका सेपरेशन करते हैं नेक्स्ट क्रोमोग्राफी टेक्निक है उसका नाम है फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमोटोग्राफी और ये फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमोटोग्राफी स्पेशली यूज़ की जाती है टू प्योरीफाई एंड एनालाइज मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स को तो नेक्स्ट स्पेशल टेक्निक है काउंटर करंट क्रोमोटोग्राफी काउंटर करंट क्रोमोटोग्राफी में हमारा जो स्टेशनरी फेज़ है वो भी लिक्विड होता है मोबाइल फेज भी लिक्विड होता है और ये जो दोनों फेज जो लिक्विड होते हैं ये इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो कंटिन्यूसली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू अटेस्ड रहता है तो इसमें एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रफ्यूगल फोर्स लगाया जाता है स्टेशनरी फेज में ताकि वो कंटिन्यू जो है अटेस्ड रहे और वो जाए नहीं क्योंकि वो लिक्विड रहता है तो जो काउंटर करंट क्रोमोटोग्राफी है इसमें हमने आपको बताया ये दो टाइप की होती है एक होती है हाइड्रोडाइनेमिक काउंटर करंट क्रोमोटोग्राफी दूसरी होती है सेंट्रीफ्यूगल पार्टीशन क्रोमोटोग्राफी इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे नेक्स्ट टेक्निक है पीरियोडिक काउंटर करंट क्रोमोटोग्राफी इसमें क्या होता है कि जो स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड रहता है जबकि जो हमारा मोबाइल फेज़ है वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो ये एज ए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होता है बस इसमें इसको हम पीरियोडिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मल्टीपल कॉलम्स यूज़ करते हैं और इसमें जो मल्टीपल कॉलम्स हैं वो सब्सिक्वेंटली अटैच होते चले जाते हैं मतलब जैसे ही कॉलम का से एल्यूशन हुआ उसको री री इक्ब्रेट करते हैं और री इक्ब्रेट करते ही हम उसको बाद में तुरंत लोडिंग स्ट्रीम में लगा देते हैं है ना और ये प्रोसेस कंटिन्यू साइक्लिक फैशन में चलती रहती है तो ऐसे में कभी कॉलम्स में जो सेपरेशन का काम है वो एंड ही नहीं होता है इसलिए इसको हम पीरियोडिक काउंटर करंट क्रोमोटोग्राफी कहते हैं नेक्स्ट आता है चिरल क्रोमोटोग्राफी बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जिनके खुद के आइसोमल्स स्टेरियो आइसोमल्स होते हैं तो जो कन्वेंशनल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं उनमें इन रेसमिक मिक्सचर ऑफ इनेंशमर्स को आइडेंटिफाई करना उसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो कभी एक फॉर्म में होते हैं और कभी खुद चेंज होकर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ऐसे में चिरल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसमें जो सॉलिड फेज़ रहती है वो इस टाइप की यूज़ की जाती है जिसमें खुद ही जो सॉलिड फेज हो वो मेड अप ऑफ चिरल जो कि चिरल की बनी हो तो वो क्या करती है कि दो अलग अलग टाइप के स्टेडियो ऐसे से डिफरेंट टाइप की बाइंडिंग्स रखती है और ऐसे में डिफरेंट बाइंडिंग इफिनिटी होने के कारण जो डिफरेंट टाइप के आ, सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर ऑफ इनशियोमर हैं वो पॉसिबल हो पाते हैं नेक्स्ट है एक्वस नॉर्मल फेस क्रोमोटोग्राफी एक्वस नॉर्मल फेस क्रोमोटोग्राफी में बस बाकी नॉर्मल क्रोमोटोग्राफी से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम जो मोबाइल फेज़ है वो लेस पोलर यूज़ करते हैं देन द स्टेशनरी फेज़ इसमें हम मोबाइल फेज में वाटर लेते हैं एज ए सॉलवेंट सिस्टम कंपोनेंट और इसमें नॉर्मल जो एच पी जो है लिक्विड कर्मोटोग्राफी इससे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें रिटेंशन मेकनिज़म इज़ ड्यू टू एड्जॉप्शन रेदर देन पार्टीशनिंग तो इसमें क्या होता है जो रिटेंशन होता है किसी भी एनालाइट का वो एडजॉप्शन से होता है उसमें पार्टीशंस नहीं बनते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वास नॉर्मल फेस क्रोमोटोग्राफी नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द एप्लीकेशन ऑफ क्रोमोटोग्राफी तो क्रोमोटोग्राफी को बहुत सारी फील्ड्स में यूज किया जाता है लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज में कैमिकल इंडस्ट्रीज में फॉरेंसिक साइंस में इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड हॉस्पिटल्स में सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोटोग्राफी आई जस्ट ट्राई टू कवर ऑल अबाउट द जेस्ट ऑफ दै क्रोमोटोग्राफी होप यू आर इंजॉइंग दिस टॉपिक एंड यू अंडरस्टूड सोनी सो मेनी थिंग्स Uh, please uh, subscribe my YouTube channel for more videos. Thanks for watching.